हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश और आप है हाउ टू फॉर यू में। दोस्तों, मैंने पिछले वाले वीडियो में मेरे रेडमी के फ़ोन से टीवी से कनेक्ट करके दिखाया था यूएसबी डाटा केबल की मदद से, यानी चार्जिंग के वायर की मदद से हम अपने फोटो, म्यूजिक, मूवीज़ को अपने टीवी पर चला के दिखाया था। तो इस वीडियो में मैं आपको वीवो के फ़ोन से यूएसबी डाटा केबल की मदद से टीवी से कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि कनेक्ट होता है या नहीं। मैं ये वीडियो खास उन भाइयों के लिए बना रहा हूं जो मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि मेरा वीवो का फ़ोन कनेक्ट होता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में कनेक्ट होता है या नहीं। और मैं आपको बता दूं कि इस वीवो के फ़ोन में OTG सपोर्ट है और मेरा डेवलपर ऑप्शन भी ऑन है। तो चलिए देखते हैं कनेक्ट होता है या नहीं। सो दोस्तों, देखिए ये मेरे पास है USB डाटा केबल। तो इसे मैं अपने टीवी के USB पोर्ट में लगा देता हूँ और दूसरे वाले को मेरे अपने वीवो के चार्जिंग वाले पोर्ट में लगा देता हूँ। तो लगाने के बाद देखिए मेरे फ़ोन में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं और मेरे टीवी में देखिए USB लिखा हुआ है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। और यहाँ देखिए चार्जिंग हो रहा है, यानी हमारा वीवो का फ़ोन टीवी से कनेक्ट नहीं हो रहा है OTG सपोर्ट होने के बावजूद। तो दोस्तों, ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट होता है। जिन लोगों का USB सपोर्ट होता है उनका भी कनेक्ट नहीं होता है, और जिन लोगों का OTG सपोर्ट नहीं होता उन लोगों का भी हो जाता है। तो मेरा रेडमी का फ़ोन USB डाटा केबल की मदद से कनेक्ट हो गया था और मैं अपने फ़ोटो, म्यूजिक, मूवीज़ देख पा रहा था, और इसमें सपोर्ट होने के बावजूद ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। सो दोस्तों, अगर आप USB डाटा केबल की मदद से वीवो के फ़ोन से USB केबल की मदद से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो मत कीजिए, आपका फ़ोन टीवी से कनेक्ट नहीं होगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।